जैम टीवी वेख रहे सारे दर्शक साहबान मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार। अज साहिब कमाल बादशाह दरवेश सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है। इस मौके पर तुहानू सारयां नूं बहुत बहुत वधाइयां मुबारकबाद। साडा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है इहदा एक खास मकसद है गुरु गोबिंद सिंह साहब दी लासानी जिंदगी दे कुछ उन्हां पक्खां नूं उजागर करना जिन्हां बारे आम तौर पर बहुत घट जिक्र किया जाता है। सब तो पहला असीं गल करांगे गुरु साहब दी जिंदगी दे अहम पक्ष दी, एक उन्हां दी महान देण दी कि सत्ता दे जिस विकेंद्रीकरण दी गल अज संसार च कीती जांदी है, यानी पावर टू द पीपल, लोकां नूं शक्ति देनी, ताकत देनी, इस दा आगाज़ इस दी आरंभता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने की है और संसार में लासानी कार्य उन्होंने किया। गुरु तो सिख विचाले फर्क में उन्होंने मेट दिता, ता ही भाई गुरदास ने लिखा ना वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। आनंदपुर साहब पांच प्यारियां दे नाल उन्होंने वादा किया सी मैनू अमृत की दात तुसी दिती है, मैं थोड़ा धनवादी हाँ और मैं थोनू ये यकीन दवाना कि किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में तुसी मैनू हुक्म करोगे तो मैं उसनू मन्नांगा। तो ये गुरु साहब ने साकार कर विखाया चमकौर की जंग समय जदों कुछ चोणवे सिंह रह गए सन, उन्होंने गुरु साहब उत्थों चले जाण लई आख्या ते गुरु साहब ने खालसे का हुक्म मन के चमकौर की गढ़ी छड़ी, क्योंकि सिखां दा यह कहना सी कि गुरु साहब तुहाडी जिंदगी बहुत कीमती है पंथ लई, जे आप रहोगे तो पंथ वधेगा। गुरु साहब उत्थों चले गए। एक बहुत वड्डी देण है गुरु साहब की कि सिख अते गुरु विचाले फर्क नूं गुरु साहब ने मेट दिता और गुरु नानक साहब की फिलोसफी नूं प्रचंड किया, पंच पुराण पंच प्रधान पंच पावे दरगावां। गुरु साहब की जिंदगी का एक होर पक्ष यह है कि वह हमेशा अपने सिखां नूं सत्कार दिंदे, उन्हां नूं प्यार करदे ने और सारा कुछ उन्हां नूं अपना समर्पित करदे ने। जदों आप जी आखते ने इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ पर, वो आप आखते ने कि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वो सारा इन्हां सिखां दी बदौलत है, इन्हां सिखां नूं उसका सिहरा जांदा है। एक गुरु साहब की जिंदगी का होर पक्ष है इनकलाबी जथेबंदक आगू हिंदुस्तान की गैरत जी बिल्कुल आखिरी साहां ते सी, कुछ ताकत सन खिंडरियां पुंडरियां खिलरियां हुई, उन्होंने गुरु साहब ने मुनज़म किया जथेबंद किया और खालसे दे विच ऐसी फौज तैयार की जिहड़ी अन्याय के खिलाफ जुल्म के खिलाफ तशद्द के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रही, संघर्ष कर रही है और अगों तो भी करती रहेगी। ये भारतीय समाज में गुरु साहब की बहुत वड्डी देन है। इस नाल नाल असी जिक्र करांगे गुरु साहब के एक होर अलौकिक पक्ष का, संगीतक पक्ष। गुरु साहब जिथे उच्च कोटि के शायर सन, उन्होंने बहुत सारे रचनावां ने, बहुत घट लोगों को यह जानकारी है संगतां नूं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब लड़ाइयां युद्धां विच रुझे रहने के बावजूद भी जिथे रचनावां करते रहे उत्थे उन्होंने गायन करते रहे। गुरु साहब ने बहुत सारे तराने लिखे, बहुत सारी बाणी नूं गाया और जिहड़ा ताऊ साज है मोर पंख वाला गजना वजदा है, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब की भारतीय शास्त्रीय संगीत नूं बहुत वड्डी देण है। ये साज उन्होंने ईजाद किया, बहुत वड्डी देण दित्ती। तो मित्र प्यारे नूं हाल मौजूदा का कहना जिहड़ा उनका शब्द है उत्ते लिखा हुआ ख्याल पातशाही दसवीं, यानी इनू ख्याल अंग विच गाउणा है। ये गुरु साहब की कीर्तन नूं उन्होंने उत्थे भी जारी रखिया जदों सरसे नदी ते जंग जारी सी, गुरु साहब ने कहा आसा की वार दा कीर्तन होएगा, जंग भी चलता रहेगा। यह है संगीत नाल उनका प्यार। गुरु साहब की कलम इन्नी पुरजोर कलम सी, इन्नी ताकतवर कलम सी कि उस कलम ने जदों जफरनामा लिखिया फतेह की चिट्ठी, ये फारसी गुरु साहब की महान ते लासानी रचना है जफरनामा, जिहड़ा गुरु साहब ने दीना कांगड़ मालवे तो औरंगजेब नूं लिखिया। देखो किड्डी एक गुरु साहब की फराख दिली है, खुल दिली है, उन्होंने सुभा का विलखण पक्ष है कि उन्होंने उस चिट्ठी पहला औरंगजेब दियाँ खूबियाँ कि तू सादा जिंदगी बतीत करदा है, तू पैसा फजूल नहीं खर्च करता, तू नमाजी है, तू खुदारू मनदा है, वो सिफत भी की है। पर अगों जा के जो उन्हें ज्यादतियाँ कीतियाँ या उद्दे तो करवाइया गई उन्होंने जिस बेबाकी गुरु साहब ने अपनी कलम राही लिखिया
उस खत नूं जदों औरंगजेब पढ़िया तो पढ़ के वह अंदरों हिल गया, जारो जार रोया और उन्हें गुरु साहब नूं फौरन ये सुनेहा भेजा कि मैं आप जी नूं मिल के माफ़ी मंगनी चाहुंदा, काश के गुरु साहब औरंगजेब की मुलाकात हो जाती। औरंगजेब रस्ते में ही दम तोड़ गया, लिहाजा गुरु साहब नाल उसकी मीटिंग उनकी मुलाकात उसकी ना हो सकी। ये है गुरु साहब की पुरजोर कलम की ताकत। कलगीधर पातशाह की जिंदगी का एक होर पक्ष तुहाडे नाल उजागर करना चाहवागा, बड़ा जरूरी है। उन्हां दी लड़ाई किसी एक फिरके के खिलाफ नहीं सी, जुल्म के खिलाफ सी। जिहड़ा भी जुल्म करदा उहदे खिलाफ उन्होंने संघर्ष करना ही सी। गुरु साहब की दृष्टि नज़र किन्नी पारखू सी, उन्हां दी अख किन्नी पारखू सी, किड्डी दूर असी सोच सी कि जुल्म के खिलाफ लड़न लई परलोक गमन करन तो पहला उन्होंने नंदेड़ विच बंदा बैरागी माधोदास बैरागी जिहदा नाम सी पहला, बाद विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नाम उन्हां दा रखिया गया। उस बंदा सिंह बहादुर ने बंदा लोहे का सुहागा बना गया। बंदा बहादुर ने फिर वो आके जालमा का सौदा लाया कि साहबजादियां दी छोटे साहबजादे की शहादत का बदला लिया, सरहंदी इट न इट बजाई तो खालसा राज कायम किया। तो किसानी नाल फिर गल जुड़ती है, अगर किसी ने सब तो पहला भारत देश विच किसानां नूं वाहीकारां नूं हड़वाकां नूं जमीन की मालकी दे पटे दिते हक दिते जमीन उन्हां दे नां कीती, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा थोड़ चिड़ा राज सी ओ ये महान कार्ज कर गए, जिहदे लई हमेशा उन्हां नूं याद रखा जाएगा। और पिछे सोच ते प्रेरणा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दी सी कि आम लोगों के नाल खड़ना है ते आम लोगों की तिर बनना है। गुरु साहब दी सिख्यावां दी करामात अज भी असीं वेख रहे हैं। आज दिल्ली विच पिछले डेढ़ महीने तो ज़्यादा समा हो गया है किसानों का अंदोलन चल रहा है, सारे देश के संतरां तो किसान इकट्ठे हुए ने संघर्ष करने अपने हकों लई अपने अधिकारां लई तीन कानूनों रद्द करवाउण लई। इहदे पिछे भी गुरु साहब की अन्याय के खिलाफ जूझण की शक्ति काम करती है, प्रेरणा काम करती है। और उत्थे मनदे ने बाकी स्टेटां तो आए लोग भी कि सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का संदेश है उहदे तो शक्ति ते प्रेरणा मिली है, असी खालसे नूं विचरदे देखिया उत्थे ढाडी जदों वारां गाउंदे ने ते बड़ी रीझ नाल लोग सुणदे ने, बहुत वड्डी गुरु साहब की देण है जिहड़ी हमेशा लोगों लई प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और लोग संघर्ष लई जूझदे रहणगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाउंदे रहणगे। गुरु साहब ने गरीबां नूं दलितां नूं नताड़ियां नूं निमाणियां नूं सरदारियां बख्शियां, जिन्हां नूं लोग कथित तौर पर नीच आखदे सन, गुरु साहब ने कहा इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूँ। सिख परिवार पैदा होने के नाल ही जे मेल है तो सरदार, तो जे फी मेल है तो कौर, यानी कौर का मतलब प्रिंसैस राजकुमारी शहजादी, तो सरदार का मतलब शहजादा। ये गुरु साहब की बख्शिश है, सानू गुरु साहब का ऋणी होना चाहिए इस गल लई कि उन्होंने सानू सरदारियां बख्शियां। तो जिहड़ा सिंह लफ्ज़ वरत्या उन्होंने सानू सिंह कहा, उसका मतलब है शेर, चिड़िया नूं बाज़ां नाल लड़न दे समर्थ बना दिता, यानी इन्नी ताकत भर दिती गुरु साहब ने उन्हां जन सधारण लोगों विच जिहड़े विचारे डरदे सन। और ये आखदे सन, किस शायर ने लिखा है कि चिड़ी उड़ी डर से मर जाएं, मुगरन से कैसे लड़ पाएं। गुरु साहब ने उन्हां नूं सरदार बना दिता, सिंह बना दिता, सूरमी बना दिता, शेर बना दिता, और दहाड़दे होए ओ जालम फौजां नाल टक्कर लैंदे रहे। तो फैसला कुन जंग जिहड़ी मुक्तसर साहब हुई उस विच मुगलिया फौज नूं बड़ी करारी शिकस्त हुई और गुरु साहब दे जिहड़े पैरोकार सन, गुरु साहब का खालसा सी, उसने जित दे जयकारे छड्डे। इस तरह गुरु साहब का जिहड़ा जीवन है वो एक निराला जीवन है, इहदे तों बहुत कुछ सीखण की लोड़ है। गुरु साहब ने जिहड़ा संदेश दिता भाईचारक सांझ का, एक धर्म निरपक्षता का, सैकुलर सोच का जिहड़ा संदेश दिता, उसकी मिसाल मैं देनी चाहुंदा। गुरु साहब कहिंदे ने, हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी, मानस की जात सभ्य एक पहचान वो। ते नाले भी कहिंदे ने कि उन्होंने सारे संसार विच वख-वख जगह तो आए विद्वानां नाल बैठकां कीतियां, विचार चर्चा की, विचार मंथन किया, आप भी सोचा समझिया
ते अखीर एक सिट्टा कढ़िया जो सानू वो निचोड़ दे गया, साच कहूँ सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें इंसाना नाल मुहब्बत नहीं की वह अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब बहुत नरम दिल, बहुत खुले विचारां दे, हर धर्म के लोग उन्होंने पैरोकार सन, जिन्हों मुसलमान पीर बुद्धू शाह, गनी खां, नबी खां, सैद खां वर्गे लोग भी शामिल सन। भाई कन्हैया जी हिंदू परिवार चो सन, दीवान नंद लाल हिंदू परिवार चो सन, जिहड़े गुरु साहब दे 52 कवियों के सरताज कवि सन। बहुत फारसी की रचना उन्होंने की है। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की एक वड्डी देन यह है कि उन्होंने समुची मनुखता नूं सेहतमंद होण दा जो गुर दस्या है, जो तरीका समझाया है, अगर दुनिया उस ते अमल करे तो सारियां मानसिक ते शरीरक बीमारियों तो दुनिया मुक्त हो सकती है। अल्प आहार सुल्प सिंद्रा, थोड़ा खाना ते थोड़ा सोना। ते गुरु साहब कहिंदे ने जे इहदे ते अमल कीता जावे फिर की होवेगा, सदा रहे कंचन सिकाया, फिर तेरी शुद्ध सोने वर्गी काया रहेगी और तेरे रोग नेड़े भी नहीं आवेगा, ना मानसिक ना शरीरक। तो ऐसी अजीम शख्सियत नूं अज असी याद करते हैं, तो ये अजम करिए कि गुरु साहब ने अंतम समय जो तीन उपदेश सानू बख्शिश किए, हुक्म किए, उन्होंने असी चलण का प्रण करिए अज के दिन, अज गुरपुरब के सुभागे मौके पर, कि दीदार खालसे का, परचा शब्द का, अमल प्रशादे का। ये तिने चीज़ा याद रखिए, हमेशा इन्हां ते अमल करिए और एक ऐसे समाज की सृजना लई लख बन के काम करिए, जिस खेत्र च भी आपां हाँ, जिहदी कल्पना गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कीती सी, जिहड़ा उन्होंने सोचिया सी। अंत विच एक बारी फिर जैम टीवी दे सारे दर्शकों नूं वधाई दिंदे होए, अल्लाह यार खां जोगी दी कलम दी इस रचना दे नाल अज दे इस प्रोग्राम नूं, एपीसोड नूं समाप्त करदे हाँ। करतार की सौगंध है, करतार की सौगंध है, अल्लाह की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं सजदा करदे हुए असी तुहाडे तो इजाजत चाहुंदे हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम वेखण लई, ते अपनी राय ना प्रोग्राम बारे जो तुहाडी राय है सानू जरूर नवाजियो, सानू तुहाडी राय का इंतजार रहिंदा है। बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।